गुड इवनिंग, मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को आज फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उसको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ आज संस्कृत दिवस भी है, संस्कृत दिवस के भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ मैं देता हूँ। और इसके साथ आप सभी आज राखी का त्यौहार मनाएं, इसमें सभी बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है। तो इस तरह से आपका आज से कर्तव्य बनता है कि अपने बहनों का रक्षा करना, ठीक है? तो ये हमारा कर्तव्य। इसके साथ संस्कृत दिवस है, संस्कृति का भी हमारे ऊपर ऋण है और उस ऋण को भी पूरा करना है। और हम बताते हैं कि यही हमारा मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि संस्कृति को बनाए रखना ही हमारा मौलिक कर्तव्य है। आप पॉलिटी में पढ़े होंगे मौलिक कर्तव्य भले न्यायालय में वाद योग नहीं है, लेकिन मौलिक कर्तव्य के प्रति हम सभी को जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि प्रकृति है या संस्कृति है, कुछ भी है, तो उसका मेरे ऊपर ऋण है, तो उस ऋण को पूरा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो इसलिए संस्कृति आज तक हमें इतना यहाँ तक पहुँचा है, तो उस संस्कृति को भी हमें नहीं बोलना है, तो इसको बनाए रखना है, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है। तो संस्कृत दिवस के ओर से इतना हम आप सभी से बिल्कुल कहूँगा कि आप सभी संस्कृति को बनाए रखें। ये हमारा संस्कृति ही हमारा मुख्य धरोहर है और इसको बचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा आज बहनों ने भाई के कलाई पर राखी बांधी, तो उसका भी मेरे ऊपर ऋण रह गया, तो उस ऋण क्या है, तो उसकी रक्षा करना, तो उसके कर्तव्य को भी पालन करना है। हम सभी को अपने बहन, चाहे दोस्त की बहन, कोई भी बहन हो, सभी का रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो ये भी मेरे ऊपर ऋण है, क्योंकि आज बहनों ने भाई के कलाई पर राखी बांधी है, तो वो भी आपके ऊपर ऋण आया, तो उस ऋण को भी पूरा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। और आप जानते ही हैं कि मौलिक कर्तव्य, ह्यूमन ड्यूटीज जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपका पॉलिटी में। तो इसलिए आप ह्यूमन ड्यूटीज को समझें, मौलिक कर्तव्य को समझें कि क्या है मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य के प्रति हमें जागरूक रहना बहुत जरूरी है। चाहे प्रकृति हो, चाहे संस्कृति हो, चाहे ये रक्षाबंधन था, तो ये सभी हमारा जो है इसकी रक्षा करना है। और यही इस, क्योंकि ये सभी का ऋण मेरे ऊपर है और इस ऋण को पूरा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो आप सभी से हम बिल्कुल इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अपने मौलिक कर्तव्य के प्रति जागरूक जरूर रहें, ठीक है? आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, क्या क्या प्रश्न बनता है। तो पहला है कि संस्कृत सप्ताह, आज संस्कृत सप्ताह 19 अगस्त से 25 अगस्त, हर वर्ष 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी चल ही रहा है, 19 अगस्त से 25 अगस्त तक संस्कृत सप्ताह मनाया जाएगा। और इसी बीच 22 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कब, तो 22 अगस्त को संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह अगर पूछेगा तो संस्कृत सप्ताह 19 अगस्त से 25 अगस्त। और इसमें क्या है कि अपने संस्कृति के बारे में देश में लोगों को बताना, संस्कृति को भूलना नहीं चाहिए और इसके प्रति सभी को आगाह करना संस्कृति दिवस है। तो आप सभी अपने संस्कृति को समझें और अपने संस्कृति को मत भूलें, क्योंकि यही हमारा मुख्य धरोहर है। और इसी संस्कृति के वजह से आज भारत का बहुत पहचान बना, आज पूरा वर्ल्ड में भारत पहचाना जाता है, तो अपना संस्कृति के वजह से पहचाना जाता है। तो अपने संस्कृति को नहीं भूले, यही हमारा मुख्य धरोहर है, यही हमको जो है वो अपने उद्देश्य तक, इसी के रास्ते हम अपने जो भी उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे। लेकिन संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संस्कृति को नहीं भूलना है। ये मेरा मुख्य धरोहर है, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है कि हम संस्कृति को नहीं भूलेंगे और उसमें जो भी मेरा बनेगा उसके प्रति हम करेंगे। तो संस्कृत दिवस कब, तो 22 अगस्त, ठीक है? आइए अगला पॉइंट, संस्कृत दिवस 22 अगस्त प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा को लगभग मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 20 अगस्त को मोपला विद्रोह का 100 वर्ष पूरा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह 100 वर्ष पूरा हो गया, और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 100 वर्ष 1921 में। कब, तो 20 अगस्त को 1921 में 20 अगस्त को मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। मुस्लिम किसान समुदाय थे, उनके द्वारा विद्रोह किया गया था, तो इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त 2021 को इसका 100 वर्ष पूरा हुआ। तो किसका, तो मोपला विद्रोह। इसका संबंध किससे है, किस राज्य से, तो केरल से है। किससे संबंध है, तो मुस्लिम किसान समुदाय से है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि 2020 में हम लोग असहयोग आंदोलन का भी 100 वर्ष पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में असहयोग आंदोलन के लेकर जो है वर्षगांठ मनाया गया था। तो इस तरह से जो भी 100 वर्ष पूरा है उस पर ध्यान रखना है। तो मोपला विद्रोह का 100 वर्ष पूरा कब हुआ, तो 20 अगस्त 2021 को हुआ है। अगला बिंदु देखते हैं हम लोग,
तो ये मुस्लिम किसान समुदाय थे। तीन में कह रहा है कि AK-103 राइफल रूस से ख़रीदने का समझौता किया है भारत। ध्यान रखिएगा AK-103 राइफल कहाँ से ख़रीदा जा रहा है, तो रूस से ख़रीदा जा रहा है। भारत और रूस के भी समझौता हुआ है इसके लिए। AK-103 को ख़रीदने के लिए भारत ने रूस से समझौता किया है। ध्यान रखिएगा राफेल कहाँ से ख़रीदा है, तो फ्रांस से ख़रीदा है। सबसे पहले भारत में किस बेस पर आया था, तो अम्बाला बेस पर आया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आरोग्य धारा टू लॉन्च किया मनसुख मंडाविया ने। मनसुख मंडाविया अभी हमारे देश के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। मनसुख मंडाविया जो हाल ही में बने हैं, पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, उनको हटाकर मनसुख मंडाविया को भारत का न्यू स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा और इन्हीं के द्वारा आरोग्य धारा 2 लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना का ही ये हिस्सा है आरोग्य धारा 2। और आयुष्मान भारत योजना 20 सितंबर 2018 को शुरू हुआ था। कहाँ से, तो रांची से शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा आरोग्य भारत योजना, और इसमें 5 लाख का इलाज प्रति परिवार, 5 लाख का इलाज प्रति परिवार करवा सकता है। किसके तहत, तो आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान बेबी पहला इसका फ़ायदा उठाने वाला कोई था, तो करिश्मा थी, जो आयुष्मान बेबी के नाम से जाना गया करिश्मा को। तो आयुष्मान धारा 2 का लॉन्च जो है वो किसने किया, तो मनसुख मंडाविया ने किया। और आयुष्मान भारत योजना 20 सितंबर 2018 को कहाँ से किया गया, तो रांची से किया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। 5 लाख का इलाज प्रति परिवार, आयुष्मान बेबी करिश्मा, पहली बार फायदा उठाने वाला कोई था तो करिश्मा थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 भी लॉन्च किया गया आपका उत्तर प्रदेश के बलिया से, महोबा से। जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना फर्स्ट जो आया था वो उत्तर प्रदेश के बलिया से था। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि गरतांग पुल कहाँ है, सब काफ़ी चर्चा में है। गरतांग पुल जो 59 साल बाद खोला गया है, 59 ईयर्स बाद जो है वो आपका गरतांग पुल को खोला गया। इस महत्व इसलिए है कि ये लकड़ी का पुल है। ध्यान रखिएगा कि गरतांग पुल जो है ये लकड़ी का पुल है उत्तराखंड में, इसलिए काफ़ी चर्चा में है जो है। 59 साल बाद इसको खोला गया है, पहले से बंद था 59 वर्ष से, तो इसको खोला गया इसलिए चर्चा में है क्योंकि लकड़ी का पुल है। और कहाँ है, तो उत्तराखंड में। अगला है कि देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, पहला स्मॉग टावर। ध्यान रखिएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हवा शुद्धिकरण, यानी कि हवा को शुद्ध करने के लिए स्मॉग टावर को का लॉन्च जो है वो आपका दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा स्मॉग जो होता है, स्मॉग ठीक है, तो ये स्मॉग जो है वो आपका टावर का किसने लॉन्च किया, तो दिल्ली सरकार ने किया है। अगला है कि आदि कैस्केड क्या है, क्वेश्चन देगा ऐसे ही कि आदि कैस्केड का संबंध किससे है। ऑप्शन में आपका मेढक देगा, कछुआ देगा, जो भी दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक मेढक का प्रजाति है और इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में मेढक की एक प्रजाति आदि कैस्केड की खोज की गई है। ध्यान रखिएगा आदि कैस्केड किसका प्रजाति है, तो आपका ये क्या बोले मेढक का प्रजाति है। ध्यान रखिए मेढक का प्रजाति है आदि कैस्केड। ठीक है, तो इसका संबंध किस तरह से, तो अरुणाचल प्रदेश से खोजा गया है आदि कैस्केड मेढक। अगला है कि उभरते सितारे फंड बहुत फेमस क्वेश्चन है। उभरते सितारे फंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये लॉन्च किया गया। ध्यान रखिएगा उभरते सितारे फंड वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसका उद्देश्य है कि भविष्य में आयात और निर्यात को बढ़ावा देना, यानी कि आयात और निर्यात को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये क्या है, तो उभरते सितारे फंड। तो ध्यान रखिएगा कि आने वाला समय में परीक्षा में यही सवाल पूछेगी कि उभरते सितारे फंड का संबंध किससे है, तो इसका संबंध होगा कि आयात निर्यात को बढ़ावा देना भविष्य में। और इसका उद्घाटन किसकी लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष एनके सिंह को बनाया गया है। एनके सिंह जो वर्तमान में अभी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इन्हीं को इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के नए अध्यक्ष बनाया गया, जो पहले इसका
मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहले इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला कह रहा है 10 नंबर कि 2021 ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन के अनुसार, 2021 के ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन के अनुसार भारत क्रिप्टो अपनाने के मामले में दूसरे स्थान पर है। भारत दूसरा स्थान पर क्रिप्टो अपनाने में पहुंच चुका है, जबकि पहला पर कौन है, तो पहला पर वियतनाम है, ध्यान रखिएगा, पहला पर वियतनाम। भारत का जो क्रिप्टो करेंसी इसमें आया है उसका नाम बिटकॉइन है, ध्यान रखिएगा, भारत का बिटकॉइन को किसने अपनाया, तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन में स्थान मिला है बिटकॉइन का, जो पूरे विश्व में दूसरा स्थान पर है, पहला जो है वो वियतनाम का है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि संयुक्त मार्गदर्शन जो है ये भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया नौसेना से सहयोग के लिए, यानी कि भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया नौसेना से सहयोग के लिए आपका संयुक्त मार्गदर्शन किया है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त मार्गदर्शन का संबंध भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, दो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना भारतीय नौसेना के सहयोग के लिए आपका संयुक्त मार्गदर्शन प्रारंभ किया है, ठीक है। अगला है कि आईआईटी हैदराबाद, ध्यान रखिएगा, आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान केंद्र, आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। अभी वर्तमान में हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आईआईटी हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। 13 नंबर है कि भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना चंडीगढ़ से नई दिल्ली, चंडीगढ़ से नई दिल्ली आपका भारत का पहला ईवी फ्रेंडली हाईवे बना, आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना। इसमें क्या है कि हर 4 किलोमीटर पे आपका ये इलेक्ट्रिक वाहन उसको चार्जेबल करने के लिए स्टेशन बनाया गया हर 4 किलोमीटर पे, तो ये पहला हाईवे बना जो आपका इलेक्ट्रिक फ्रेंडली हाईवे बना है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे, ठीक है, ईवी फ्रेंडली हाईवे, कौन, तो चंडीगढ़ नई दिल्ली। अगला है कि अमेजॉन एलेक्सा कंपनी ने भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ को अपनाने का निर्णय लिया है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा कंपनी जो है वो आपका भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज़ को अपनाने का निर्णय लिया, तो अमेजन अलेक्सा ने लिया है, ध्यान रखेंगे। अगला कुछ सैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, किस किस देश के बीच जो आपका परीक्षा में पूछते रहता है, तो सूर्य किरण जो होता है वो भारत और नेपाल का संयुक्त अभ्यास है, सूर्य किरण। खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान का है। वरुण 21 भारत और फ्रांस का है, वरुण 21। मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका का है, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका। मैत्री है भारत और थाईलैंड का, मैत्री भारत और थाईलैंड का। सिनवैक्स बहुत फेमस है, सिनवैक्स भारत और सिंगापुर, सिनवैक्स भारत और सिंगापुर। एकुबेरिन भारत और मालदीव के बीच है, एकुबेरिन भारत और मालदीव के बीच। और डेजर्ट नाइट 21 ध्यान रखिएगा नीचे, डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस का सैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा, डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस का सैनिक अभ्यास है। और एक प्रश्न आपका आपके लिए जो है वो कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा एक प्रश्न था पिछला दिन का, उसका हम उत्तर बताते हैं। क्वेश्चन था कि हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत को सुकुमार कवि कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज आपके लिए इतना ही क्वेश्चन था, और कल हम जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और इसी तरह से ये सीरीज चलते रहेगा। लेकिन आप सभी को मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपके लिए एक स्टैटिक्स जीके का न्यू वीडियो आ चुका है, उसको हम अपलोड भी किए हैं यूट्यूब पे, और आपका जो है इससे और संबंधित जो भी स्ट्रेटेजी के का वीडियो होगा उसको हम डालेंगे, तो आप सभी उसको भी देखते रहें और इसको भी अपना नोट्स बनाते रहें। और इस तरह से आप सभी प्लीज़, हम आप सभी से एक बार कहूँगा फिर से कि प्लीज़ इस चैनल को आप सभी लाइक सब्सक्राइब और प्लीज़ इसको जितना हो सके आप सभी शेयर करें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल, तो आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।